Cause I just wanna go, go, go to the deep end. Hi guys, finally यहाँ पे iQOO Z5 सीरीज की कंफर्म इंडिया लॉन्च डेट के साथ साथ इसकी फर्स्ट लुक को भी रिवील कर दी गई है। मतलब ये कब इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है, किस तरीके की इसकी लुक एंड डिजाइन होने वाली है, और फीचर तो ऑलरेडी काफी पहले से ही लीक होकर आ ही चुके थे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग iQOO Z5 सीरीज से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने इस वीडियो के अंदर 400 लाइक का टारगेट रखा है, मुझे पता आप लोग कंप्लीट कर दोगे। सो बिना सोचे फटाफट से लाइक करो एंड चलिए हम लोग बिना सोचे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग iQOO Z5 सीरीज की फर्स्ट लुक की बात करें तो वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर स्वैप कराता हूँ। देख सकते हो कुछ इस तरीके की लुक एंड डिजाइन के साथ आने वाला है। ये ऑफिशियली रेंडर्स है, ऑफिशियली फर्स्ट लुक बाहर आई है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। मतलब यही लुक एंड डिजाइन के साथ iQOO Z5 सीरीज आने वाला है। अब यहाँ पे देखो बिल्ड क्वालिटी को लेकर हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि बिल्ड क्वालिटी को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। सिर्फ यहाँ पे एक बैनर को रिलीज किया गया है जिसमें iQOO Z5 सीरीज की फर्स्ट लुक दिखाई दे रही है, बट देखते हैं किस तरीके की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। इसके बाद हम लोग iQOO Z5 एंड Z5 Pro की कुछ हाईलाइटेड फीचर को लेकर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसकी कंफर्म इंडिया लॉन्चेस की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि iQOO Z5 एंड Z5 Pro के बीच में कुछ खास डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ डिस्प्ले एंड फ्रंट कैमरा को लेकर हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, बाकी काफ़ी हद तक फीचर दोनों के सिमिलर होने वाले हैं। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस के साथ 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले का सपोर्ट मिलने वाला है दोनों स्मार्टफोनों के साथ। सिर्फ फर्क ये होगा कि iQOO Z5 के अंदर हमें IPS LCD पैनल देखने को मिलेगी एंड Pro के अंदर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, बाकी डिस्प्ले बिल्कुल भी सिमिलर होगी। HDR10 प्लस को दोनों डिस्प्ले सपोर्ट करने वाली है। अब आते हैं हम लोग दोनों स्मार्टफोनों की रियर साइड कैमराज की तरफ। तो दोनों स्मार्टफोनों के अंदर ट्रिपल कैमरे का सेटअप होगा, 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर होगी, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 या फिर 5 मेगापिक्सल की मैक्रो शूटर का सपोर्ट दिया जाएगा, बट कंफर्म नहीं है मैक्रो शूटर 2 मेगापिक्सल की होगी या फिर 5 मेगापिक्सल की होगी, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि 2 मेगापिक्सल की देखने को मिलेगी। बाकी दोनों स्मार्टफोनों की फ्रंट साइड कैमराज की बात करें तो दोनों स्मार्टफोनों के अंदर सेंटर पंच होल डॉट के साथ ही सेल्फी का सपोर्ट होगा, लेकिन iQOO Z5 के अंदर हमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा, जबकि प्रो वेरिएंट के अंदर बताया जा रहा है कि 32 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट मिल सकता है। तो सेल्फी को लेकर यहाँ पे हमें डिफरेंसेस मिल सकते हैं। बाकी आते हैं हम लोग दोनों स्मार्टफोनों की परफॉर्मेंस की तरफ। तो परफॉर्मेंस को लेकर दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल भी सिमिलर होने वाले हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G के साथ ही आने वाले दोनों स्मार्टफोन। अब ये प्रोसेसर जो होगा वो 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर लॉक्ड होगा। इसकी एंटीटू बेंचमार्क स्कोर 530,000 के ऊपर जाती है, बाकी एड्रिनो 642L ग्राफिक पे बेस्ड होगा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बेटर परफॉर्मेंस, बेटर बैटरी एफिशिएंसी एंड बेटर ग्राफिक देने वाला है। तो परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी दिक्कत दोनों स्मार्टफोनों के साथ नहीं होने वाली है। बातें इसके बाद दोनों स्मार्टफोनों की बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड की तरफ। तो बताया जा रहा है कि दोनों स्मार्टफोनों के अंदर 5000mAh की बीबीडी बैटरी का सपोर्ट होगा, और एक बैनर भी जो है वो टीज की गई थी जहां पर दिखाया जा रहा था 5000mAh की बैटरी, बट ये कंफर्म नहीं है कि दोनों स्मार्टफोनों के साथ हमें 5000mAh की बैटरी का सपोर्ट दिया जाएगा। हो सकता है किसी में कम किसी में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बाकी चार्जिंग को लेकर 44 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोनों के साथ दिए जाएंगे। बाकी डुअल स्टीरियो स्पीकर का भी सपोर्ट दोनों स्मार्टफोनों पे मिलने वाले हैं। तो ये कुछ यहाँ पे हाईलाइटेड फीचर थे जो कि हमें iQOO Z5 एंड Z5 Pro के साथ मिलने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग दोनों स्मार्टफोनों की कंफर्म इंडिया लॉन्च डेट की तरफ। तो फाइनली iQOO इंडिया ने कंफर्म कर दिया है कि iQOO Z5 सीरीज जो है वो 27 सितंबर को ऑफिशियली तरीके से 12:00 कुछ के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। मतलब एक बैनर भी लिस्ट बैनर जो है वो बाहर आई है जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि भैया 27 सितंबर को iQOO Z5 सीरीज इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है, और अमेजोन के लैंडिंग पेज के ऊपर भी इसे लिस्ट कर दिया गया है। तो कंफर्म हो जाता है कि iQOO Z5 सीरीज जो है वो 27 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। बाकी एंड टू एंड इनकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करें
तो मेरे अकॉर्डिंग आईको जेड 5 की प्राइसिंग हमें 25,000 के नीचे देखने को मिल सकती है एंड आईको जेड 5 प्रो की प्राइसिंग हमें 25,000 के ऊपर देखने को मिल सकती है। फिलहाल आप सभी का क्या ओपिनियन होता है इसकी प्राइसिंग को लेकर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये थे यहाँ पे आईको जेड सीरीज को लेकर कुछ डिटेल्स जो मैंने शेयर किया। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं फिर इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।